Hey everyone, welcome back to Bachpan 1246. So I'm here once again with another video. So in this video, I will talk about another feature of Bachpan Play School. So आज के वीडियो में हम आपको बचपन के प्ले स्कूल की एक और फीचर के बारे में बताने वाले हैं. तो मेरे बैकग्राउंड को देख के आप सबने काफ़ी हद तक अंदाजा लगा लिया होगा कि आज की जो वीडियो होगी वो किस चीज़ के बारे में होगी और किस चीज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ और ये चीज़ हमारे हर एक प्ले स्कूल में होनी क्यों इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं कहाँ पे हूँ. राइट नाउ आई एम इन द स्मार्ट क्लास ऑफ द स्कूल. तो एज यू नो दैट कि नाउ डेज डिजिटल क्लासेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ऑल द किड्स आर एबल टू गेट टू नो कि हाँ जो भी उनके सामने में होती है विजिबल हो देख के उनका उनके माइंड पे एक प्रॉपर इम्पैक्ट पड़ता है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली सीख पाते हैं. तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कीप अ स्मार्ट क्लास इन एवरी प्ले स्कूल. नाउ डेज नॉट इन प्ले स्कूल इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्कूल. तो सारे चाहे वो सेकेंडरी के बच्चे हो या फिर प्राइमरी के बच्चे हो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एक स्मार्ट क्लास का होना प्रोजेक्टर का होना ताकि बच्चे जो स्टडी करते हैं उसको कम्प्लीटली देख सके और सारी चीज़ों को जान सके. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि डिजिटल जो क्लासेज है वो क्यों जरूरी है. नाउ डेज सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो चुका है जस्ट लाइक सम ऑल द किड्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू वॉचिंग समथिंग इन फोन. तो जो चीज़ें हम उनको नॉर्मली राइटिंग में और नॉर्मली ओरल वर्क में नहीं सिखा पाते हैं वो चीज़ वो देख के सीखते हैं. उनके सामने में कुछ वीडियो चलता है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, पोएम चलता है, स्टोरी चलती है, बहुत सारी चीज़ें जो जो उनके सिलेबस में होता है वो सब चलती रहती है जो देख के वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं. तो अगर मैं बात करूँ बचपन की तो यहाँ पे एवरी डे हाफ एन आवर क्लास होता है नॉर्मल डे में. सो इन न्यू सेशन वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट स्मार्ट क्लासेज इन ऑनलाइन. साथ यहाँ पे एक डीजे जो बोर्ड व्हाट यू कॉल है जिसपे बच्चे जो हैं अगर इसमें कुछ टाइम बचता है तो उसके साथ साथ में एक्शन करते हैं और साथ ही साथ उस पर खड़े होकर डांस वांस भी करते हैं. तो कम्प्लीटली जो है स्मार्ट क्लास या फिर डिजिटल क्लास आप बोलिए बच्चों के मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है. तो जैसा मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ कि बचपन की हर चीज़ से बच्चों की जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होती है क्योंकि यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ है वो सिर्फ आपको बचपन में देखने मिलेगा. सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है जो कि बच्चे के एक प्रॉपर ग्रोथ में प्रॉपर डेवलपमेंट में आवश्यक होती है. तो इसलिए स्मार्ट क्लास इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर मैं बात करूँ कि हम लोग एवरी डे कितने टाइम का क्लास करवाते हैं नॉर्मल डे में नाउ डेज बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक इट इज़ नॉट हैपनिंग बट आफ्टर न्यू सेशन इट विल स्टार्ट अगेन. सो If I will talk about my school, then how much time it goes for every day. So normally it goes for half an hour every day, and it is separate for every class. It's just like a separate time for nursery classes, separate time for LKG, and another time. So हर जो उनकी class में जो teacher उनको सिखाते हैं, वो after that बच्चों को लेके यहाँ पे आते हैं. और यहाँ सारे बच्चे एक लाइन से बढ़ते हैं. क्लासेज वाइज होती है नॉर्मली पहले नर्सरी का पहले हो जाता है फिर एलकेजी का फिर यूकेजी का. हम लोगों ने सबको सेपरेट डिवाइड किया हुआ है जैसे मैंने आपको बताया. एंड उसके बाद में जो चीज़ें उन लोगों ने क्लास में की हुई है सपोज उन लोगों ने अगर ABCD वहाँ पे अल्फाबेट सुनकर चल रहा है तो सेम चीज़ वो आके यहाँ पे देखेंगे और सेम चीज़ वो खड़े होकर उस टाइप से एक्शन करेंगे बोलने की कोशिश करते हैं. अगर उनके क्लास में फ्रूट्स नेम चल रहा होता है या फिर कुछ LKG के बच्चों की कुछ GK चल रही होती है UKG के बच्चों की कुछ EBS चल रही होती है तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है. और साथ ही तो इस स्मार्ट क्लास के थ्रू डिजिटल क्लास के थ्रू हम बच्चों को जो स्टडी से रिलेटेड चीज़ें होती है उसके साथ ही साथ जो उनके लिए जो एक मोरल जो नॉलेज होता है जस्ट लाइक फॉर गुड टर्स बैड टर्स एंड एनी अदर थिंग्स जो हम इसके थ्रू बच्चों को सिखाते हैं. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट कि सम टाइम नॉर्मल डेज वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज सम मूवी सम कार्टून मूवी सम मूवी फॉर किड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड दे एंजॉय दे जस्ट फील कि हाँ वो लोग अभी थिएटर में बैठे हुए हैं एंड दे आर ईटिंग पॉपकॉर्न एंड ऑल एंड वो सारी चीज़ें करके अपना आराम से मूवी को देखते हैं इन्जॉय करते हैं. तो बच्चों को जो है उस टाइम से उनके माइंड में एक इफेक्ट आने लगता है कि हाँ इस टाइप से थिएटर होता है थिएटर में हम जाते हैं ये करते हैं वो करते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे इस एक स्मार्ट क्लास से सीख सकते हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट क्लास का होना हर एक स्कूल में. तो इसलिए हमारे बचपन ने भी ये प्रोवाइड करवाया हुआ है कि एक कम्प्लीट जो है इन्वायरमेंट होना चाहिए. आप देख पा रहे हैं वहाँ पर प्रोजेक्टर लगा हुआ है एंड देयर इज ऑल्सो समथिंग एंड सारी चीज़ें जो है जैसे नॉर्मली हम थिएटर में देखते हैं उस टाइप से है. जो फ्रंट मेरे फ्रंट में एक बड़ा सा स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे हम कनेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर लगा है बचपन का उसके थ्रू बच्चे यहाँ पे सारी चीज़ें जो उनके क्लासेज में हो रही हैं कोई भी सब्जेक्ट हो हिंदी इंग्लिश मैथ्स इधर EBS GK एनीथिंग दे वॉच हियर एंड दे लर्न लॉट. स्मार्ट क्लास किस टाइप से बनाया गया है वो मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये जो है स्टेप वाइज आपको देखने मिलेगा. जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम नॉर्मली ऊपर हाइट पे बिठाते हैं सबसे पीछे वाले पे
एंड उसके बाद में जो थोड़े से उनसे जस्ट लाइक छोटे से, मेरा मतलब ये है कि जो जिनकी हाइट कम होती है उनको पीछे बिठाते हैं, तो इस टाइप से ऑर्गेनाइज वे में सारे बच्चे बैठते हैं और एक साथ में सब देख सकते हैं। तो आपको मैं दिखा दूँ कि दोनों ही साइड से ये छोटे छोटे चेयर लगे हुए हैं जो कि इसमें अटैच है, ऊपर तक है, एंड देर इज़ ए सी ऑल्सो एंड देर इज़ प्रोजेक्टर। वो सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो बच्चे हैं वो अपना सीखते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि स्मार्ट क्लास कैसा है, तो स्मार्ट बोर्ड कैसा है। तो पहले स्मार्ट क्लास मैं आपको दिखा दूँ कि इस टाइप से होंगी चीज़ें। तो ये इसका अलग व्यू हो गया। अब हम चलते हैं इसके फ्रंट साइड में। तो ये जो है वो कम्प्लीटली स्मार्ट बोर्ड है, यू कैन सी। तो इस स्मार्ट बोर्ड पे जो है ये कनेक्टेड है कंप्यूटर से, एंड बच्चे इसके थ्रू जो है वो अपना जो भी उनको देखना होता है वो देखते हैं, टीचर यहाँ से कनेक्ट करते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक ये डीजे बोर्ड भी है जहाँ पे टीचर नॉर्मली खड़े होकर बच्चों को एक्शन करके दिखाते हैं कि कौन सा टाइम का एक्शन कैसे होना चाहिए, और आफ्टर दैट बच्चे जो है वो यहाँ पे वो लोग अपने प्लेस पे खड़े होकर सारे एक्शंस को करते हैं बाय वॉचिंग द टीचर। तो इसकी जो साइज़ है वो इस तरीके से आएंगी, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। पूरा जो बहुत ही बड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है, इसके थ्रू बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके सामने में कुछ चीज़ें हो रही हैं और इसके थ्रू बच्चे काफ़ी हद तक सीख सकते हैं। नीचे में जो भी हमारा ये है वो इसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं इसको, एंड ये सारी चीज़ें जो होती है वो एवरी डे हाफ एन आवर के लिए होती है। ऊपर में कुछ चीज़ें जो इसके बारे में बताया गया है, तो क्योंकि विजुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम में, तो अगर आपको अपने बच्चे के लिए स्कूल में एडमिशन लेना है तो आप नीचे दिए गए एड्रेस पे आप आ सकते हैं। सारे एड्रेस फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, एंड आप इंक्वायरी के लिए आ सकते हैं और एडमिशन के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि एडमिशन भी अभी जनवरी एंड फरवरी में कुछ डिस्काउंट हम लोग ऑफर किए हुए थे। तो आप भी आके तुरंत से इस मौका का फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको ग्रैब कर सकते हैं। तो डोंट मिस द चांस टू take admission of your kid in best school. Getting more information about Baspan Play School 1-4-6, you don't forget to subscribe Baspan Play School 1-4-6 channel name, so you can get all the information about this school. And if you also want to see all the photos and videos of your kid, then you can also subscribe Baspan Play School 1-4-6. So see you till next video.